ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। वह आदमी भाग्यशाली होता है जो सुख की नींद सोता है। सोना लोग मानते अच्छा नहीं है, पर सोना बहुत अच्छा है। नींद न आए तो आदमी पागल बन जाता है। नींद तो बहुत जरूरी है, सुख की नींद तो बहुत जरूरी है। ये दुख की नींद या सपनों की नींद अच्छी नहीं होती, गहरी नींद सुख की नींद बहुत अच्छी होती है, पर वह किसी भाग्यशाली को ही मिलती है। हर आदमी को सुख की नींद नहीं मिलती। बड़ा कठिन काम है सुख की नींद सोना, कितनी बाधाएं होती है। जिस व्यक्ति का चित्त शांत नहीं है वह सुख की नींद नहीं सो सकता। जिस व्यक्ति का मन अशांत है वह सुख की नींद नहीं सो सकता। मन में क्लेश है वह नहीं सो सकता। और जिस व्यक्ति के मन में कुछ चुभन है वह भी नहीं सो सकता। जब महारानी ने राजा भोज को मूर्ख कह दिया, आओ मूर्ख, पूरी रात राजा ने नींद नहीं। इस उधेड़ बुन में रहा कि महारानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा, नींद नहीं आई बिल्कुल। अब सब कुछ था राजा के पास, सारे साधन थे, अच्छी सैया, अच्छा भवन, सब सुविधाएं, कोई कमी नहीं थी, फिर भी नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्या मन क्षुब्ध था, मन में आंदोलन था कि महारानी ने मुझे मूर्ख क्यों कहा। एक आदमी यात्रा कर रहा था, ट्रेन गाड़ी आई, रेलगाड़ी आई और गाड़ी पर चढ़ा। जिस डिब्बे में चढ़ा आगे देखा एक बहुत भारी भरकम आदमी बैठा है, तो वह बोल पड़ा कि क्या यह डिब्बा केवल हाथियों के लिए रिजर्व है? तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, गधे भी आ सकते हैं, आओ बैठ जाओ। अब अपना ही तो व्यंग था, और जब गधा कहा मन में उधेड़ बुन गई, मुझे गधा कह दिया। अब इस बात को लेकर और बड़ा अशांत हो गया कि मुझे गधा कह दिया, गधा बना दिया सबके सामने। अकेले में बनाए तो भी बात है, सबके सामने गधा बना दिया। एक मानसिक उद्वेलन पैदा हो गया। सास ने बहू को डांट दिया, बहू रूठ गई और न रोटी खाई और न नींद ली। सारी रात ऐसे ही बीती। अच्छा भवन था, धन था, सब कुछ था, पर नींद नहीं आई। सुख की नींद एक बड़ा प्रश्न है कि सुख की नींद, अगर आज सुख की नींद होती तो बड़ी बड़ी कंपनियां निकम्मी बन जाती। अरबों खरबों रुपये की नींद की गोलियां चल रही है। क्यों चल रही है? कि सुख की नींद प्राप्त नहीं है, सुख की नींद नहीं आती। आदमी दुखी मन से सोता है तो नींद भी डरती है, नींद भी हर जगह नहीं जाती। नींद भी अच्छा देखती है कि सुख से है तो नींद चली जाती है, पास में आ जाती है। और जब देखती है कि अच्छा नहीं है तो नींद भी वहाँ से विदाई ले लेती है, कहीं चली जाती है। सुख की नींद बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जो अच्छी नींद लेता है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मस्तिष्क अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात, उसका दिमाग बहुत अच्छा रहता है।
है, जो नींद नहीं ले पाता उसका दिमाग भी अच्छा नहीं रहता। आवश्यक है युक्त स्वप्नावबोधस्य, यानी स्वप्न और जागरण, नींद और जागरण दोनों उचित हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। योगो भवति दुःखः, योग दुख को मिटाने वाला होता है। जो गीता का ये एक सुंदर वाक्य है कि योग दुख को मिटाने वाला होता है, पर कौन सा योग कि जिसमें युक्त स्वप्नावबोध है, जागना और सोना दोनों योग युक्त है, उचित है, तब अच्छा होता है। तो नींद न आए बड़ी समस्या है, और सुख की नींद यानी शांति के साथ नींद आए। एक बार का प्रसंग है कि भगवान बुद्ध किसी उद्यान में थे, वहाँ राजकुमार आए, देखा, देख कर एकदम सन्न रह गए। बोले, बंते ये क्या, शरद ऋतु है, ठंडी तूफानी हवाएं चल रही है, शीत लहर, और ये सैया आपकी, पत्तों की सैया, घास फूस की सैया कितनी गर्मी देती है, नीचे से ठंड ऊपर से भी कपड़े कम है, आपको नींद आई क्या, कैसे नींद आई आपको? बुद्ध ने उत्तर दिया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, सुख की नींद आई। ये कैसे मानने में कठिनाई होती है कि आपको नींद आई कैसे, प्रश्न तो है ही, प्रश्न होता है कि नींद कैसे आती है, इतनी सर्दी में नींद कैसे। हमारे सामने भी एक बार प्रश्न आया कि हम सो रहे थे, रात का समय था, और वहाँ बाहर में बहुत धूम धड़ाका, गाना बजाना, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कोई कार्यक्रम था। अब सुबह भाई आया, आकर बोला, आज तो आपको विघ्न हुआ है, बाधा पड़ी है, हमारे बहुत ये काम चल रहे थे, नींद आई नहीं। मैंने कहा, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई। तो क्या इतना बज रहा था नगाड़े ढोल और सारा हल्ला हो रहा था, नींद कैसे आई? मैंने कहा, हमारे लिए बाधा नहीं आती, नगाड़ा बजता है तो और अच्छी जल्दी नींद आ जाती। तो ये माने ना कि आप सुख की नींद कैसे आई। जब बुद्ध ने कहा कि देखो, एक आदमी है जिसके पास सोने की सारी सुविधाएं, बढ़िया सैया, बढ़िया मकान, बढ़िया तकिया सिरहाना, सब कुछ है उसके पास, किंतु सो रहा है, और इतने में संवाद मिला कि तुम्हारी पत्नी बीमार हो गई है, अब तुम्हारा भाई बीमार हो गया है, तुम्हारी माँ या पिता बीमार हो गया है, अब सो रहा है, सोते समय संवाद मिला। तो कभी कभी ऐसा होता है, लोग भी ऐसे मौके पर संवाद देते हैं जो अवसर नहीं होता, उस समय आकर बात बताते। तो अब बोलो नींद, अब तो उसको नींद नहीं आएगी, नींद कैसे आएगी? अरे, सारी सामग्री है सोने की, प्राप्त है, अच्छी तरह सो सकता है, फिर नींद क्यों नहीं आएगी? तो मन अशांत हो गया, अब नींद नहीं आएगी। एक आदमी सोने की तैयारी कर रहा है और खूब सब ठीक है, और इतने में संवाद मिला कि तुम्हारी दुकान में 50 लाख का घाटा हो गया है। अब बोलो नींद आएगी उसको? तो उसको नींद नहीं आएगी उसको, तो क्यों नहीं आएगी? कि उसका मन अशांत हो गया। तो फिर ये समझो, समझने का प्रयत्न करो कि नींद का संबंध ये कोई बिस्तर से, सैया से, कोमल सैया से नहीं है, उसका संबंध है चित्त मन की शांति, चित्त की शांति से। अगर मन शांत, चित्त शांत, तो नींद आ जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। और वह शांत नहीं है, मन तनाव से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, बुरे संवादों से भरा हुआ है,
तो चाहे कितना ही अच्छा हो उसको नींद कहाँ से आएगी, नींद नहीं आती है। हमारा दिमाग खाली रहे तो नींद भी आ जाती है, खाली दिमाग में तो बहुत अच्छाई आती है, बहुत अच्छी बातें आ जाती है। जब दिमाग खाली हो तो उसमें बहुत अच्छी बातें आती है। दिमाग भरा हुआ है, कूड़ा करकट भरा हुआ है, कबाड़ खाना है, तो फिर नींद भी बेचारी डरेगी आने से कि कबाड़ खाने में मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर हम सोचें कि सुख की नींद कितनी दुर्लभ है। जब मन पवित्र होता है, शांत होता है, उस स्थिति में सुख की नींद आती है। तो कितने लोगों का मन खाली रहता है, कितने लोगों का मन शांति के साथ रहता है। सोते समय कितने लोग हैं जो निर्विकल्प होकर सोते हैं, निर्विचार होकर सोते हैं, कि मन में कोई विचार नहीं है, बस लेटे और नींद आई। नींद को पराया मत समझो, अपने साथ वाली समझ लो, तो जब चाहो तब तुम्हारी सेवा में तैयार है। इसका अर्थ यह है कि मन पवित्र है, खाली है, कोई विचार नहीं है, तो नींद कभी आपको धोखा नहीं देगी। भगवान महावीर ने जो चार सुख सैया के हेतु बतलाई, चार प्रकार की सुख सैया, अब इसका अर्थ करते हैं कि सोने की सेज, वह नहीं, ये अच्छा अर्थ है कि सुख की नींद चार प्रकार की होती है। चार प्रकार से सुख की नींद है। आप आनंद से सो सकते हैं, सुख की नींद। पहली सुख की नींद कब आएगी? कि निस्संग किए, जो आपने लक्ष्य बनाया, जो उद्देश्य सामने रखा, उसमें गति करना है और आप उसके प्रति निस्संक हैं, तो आपको सुख की नींद आएगी। और उसके प्रति आपके मन में शंका है कि कर तो रहा हूँ पर यह काम अच्छा है या नहीं है, उससे मुझे क्या मिलेगा, आदि आदि विकल्पों के जाल में जब मन फंस जाता है तो आपकी नींद भी गायब हो जाती है। सुख की नींद नहीं होती। सुख की नींद का पहला कारण, पहला प्रकार कहें, वह है निस्संकिए निकंकिए, निस्संक बनो। गुरु ने आदेश दिया कि जाओ, और यह सांप भयंकर काला नाग है, इसको नापाओ। शिष्य गया और सांप को नापा, तरकीब कर ली, उतना बड़ा कोई कपड़ा कर लिया और यहाँ से यहाँ तक माप कर आ गया और बोला होगा कि मेरा सांप 4 फुट का 5 फुट का 4 फुट का है। गुरु ने देखा काम नहीं हुआ, मैं जो चाहता था वह काम तो हुआ नहीं। तो फिर गुरु ने कहा जाओ सांप के दांत गिनाओ। बड़ा कठिन काम था, वह तो दूर से माप तो हो गया पर दांत गिने, दूर से कैसे गिने जा सकते हैं, मुंह में हाथ डालना होगा। पर निस्संग किए, यह सुख की नींद का पहला साधन है निस्संग किए। कि गुरु के प्रति इतना विश्वास था, उनकी वाणी पर इतना भरोसा था कि मन में शंका नहीं, संदेह नहीं कि गुरु ने मुझे कैसा काम, मरने का काम सौंप दिया, प्रत्येक सामने मरना है। जब सांप का दांत गिनने का मतलब मरने की दिशा में जाना है, पर मन में कोई संदेह नहीं हुआ, ऐसा व्यक्ति सुख की नींद सो सकता है। गया और सांप के मुंह पर अंगुली डाली और सांप ने ऐसा डंक मारा, दशा आ गई। आखिर बोले गुरुदेव सांप के दांत तो नहीं गिन सका, जैसे ही मैंने गिनने का प्रयत्न किया और उसने मुझे काट खाया। गुरु ने कहा काम हो गया, आ जाओ। गुरु ने सुला दिया, कंबल ओढ़ा दी। एक आधा घंटा में जितनी बीमारी थी शरीर से, कीड़े निकले जो पूरी कंबल भर गई, और दूसरी कंबल ओढ़ाई, स्वस्थ हो गया। गुरु ने कहा अब तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, काम करो अपना, जाओ। सुख की नींद सो सका। क्यों सो सका? कि जो सच्चाई है, सत्य है, या गुरु का निर्देश है, वाणी है, उसके प्रति निस्तंग किए निकंक किए,
जो निस्तंक होता है यह संदेह नहीं करता कि यह कैसा है, तो वह सुख की नींद सो सकता है। उदयपुर की बात है, बहुत सारी साध्वियाँ, उस समय की साध्वियाँ जो प्रारंभ में गुरुदेव के पास अध्ययन करती थी, जो अध्ययन करती थी, विजयश्री जी आदि आदि कई साध्वियाँ थी। उदयपुर के एक प्रिंसिपल कौल साहब बहुत बड़े अच्छे विद्वान आदमी थे और गुरुदेव के प्रति बड़ा अनुराग था, उन साध्वियों को पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने, कौल साहब ने पूछा कि आपका आचार्य तुलसी के प्रति विश्वास है? बोले, क्या इसमें आप पूछते हैं? पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, पूरी है, और आचार्य जी आपको जो आदेश दे आप उसे श्रद्धा से स्वीकार कर लोगी कि बिल्कुल कर लेंगे? पूरी बात पक्की हो गई। तब कौल साहब ने कहा, आचार्य तुलसी आपको आदेश दे कि कुएं में उतर जाओ। तो बोली, ऐसा आदेश देंगे नहीं। कौल साहब ने कहा, फेल हो गई, देंगे नहीं देंगे ये आपका विषय नहीं है, ये तो गुरु का विषय है कि दूं या नहीं दूं। मुख्य विषय का आदेश दो, देना न देना, ये तो गुरु का काम है। आपका उत्तर तो ये होना चाहिए था कि अगर आदेश देंगे कुएं में उतर जाओ तो हम उतर जाएंगी। अब फेल हो गई आप। विश्वास होना बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, शब्दों से भले ही ऐसे बता दे पर वास्तव में विश्वास बहुत कठिन बात है। जो निस्संक होता है गुरु की वाणी के प्रति, सत्य के प्रति, जिसका समर्पण होता है, वह सुख की नींद सोता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। हमने कोई काम किया, गुरु ने कहा यह काम कल हमने किया, अब कोई दूसरे लोग आकर कहते हैं ये तो अच्छा नहीं हुआ, हम उस बारे में चिंता नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे, जो कहा वह काम कर दिया, अब अच्छा है या नहीं उसकी चिंता गुरु करे, मैं क्यों करूं इसकी चिंता? निर्देश किसने दिया था, मैंने दिया या गुरु ने दिया, किसने दिया? निर्देश देने वाला जाने कि अच्छा है या बुरा, हमारा काम था कर दिया हमने, तो सुख की नींद। और यह मन में विकल्प हो जाए कि यह काम मैंने कर तो दिया, कैसे होगा, अच्छा हुआ या नहीं हुआ, यह हुआ वह हुआ, तो फिर सुख की नींद गायब, फिर तो दुख की नींद आएगी। पहली बात सुख सैया, पहली सुख सैया का निस्तंग किए निकंग किए। दूसरी सुख सैया, कोई व्यक्ति या कोई मुनि कोई भी पदार्थ के प्रति सतृष्ण नहीं होता, सतृष्ण नहीं है, आकांक्षा नहीं रहती, यानी संतोष की कमी है, संतुष्ट नहीं होता, तो हमेशा वह अच्छा है, उसकी चीज अच्छी है, मुझे वह मिल जाए, वह मिल जाए, वह भोजन मिल जाए, वह कमरा मिल जाए, वह मकान मिल जाए, वह कपड़ा मिल जाए, वह वस्तु मिल जाए आदि आदि, वह ऐसा चश्मा मिल जाए, संतुष्ट नहीं होता, वह दुख की नींद सोता है। जो संतुष्ट होता है और जिसने आकांक्षा पर अपना नियंत्रण कर लिया, प्यास नहीं है कि यह मिले, जो भी मिला उससे संतुष्ट है, वह आकांक्षा नहीं रहती मुझे ये मिलना चाहिए, वह व्यक्ति सुख की नींद सो सकता है। तृष्णा तो रहती है, हर व्यक्ति में एक लालसा होती है, और यह लालसा एक प्रकार से बचपन की बात है, बच्चे में तो होती है, पर बड़ा होने के बाद तो उस पर एक नियंत्रण होने की बात होनी चाहिए, एक समझ आनी चाहिए। किसी ने पूछा एक बच्चे से कि तुम माँ का कहना मानते हो या नहीं मानते, शायद अध्यापक ने पूछा होगा, माँ का कहना मानते हो या नहीं मानते? वह बोला, मास्टर साहब माँ का कहना में तो 16 आना नहीं, 16 आना या 100 आना मानता हूँ, पूरी बात मानता हूँ, आधी बात नहीं मानता, पक्की बात है पक्की। मैं आपको बता दूँ एक समय, एक दिन की बात बता दूँ। बोलो क्या बात है? एक दिन माँ ने मुझे कहा था कि देखो मिठाई पड़ी है, आधी से ज़्यादा मत खाना। माँ का तो आदेश इतना ही था, मैं तो 125% 125% मानता हूँ, मैं पूरी मिठाई खा। अब आप क्या पूछते हैं, माँ की बात मानता है या नहीं मानता? मैं तो जो कहती हूँ उसे ज़्यादा मानता हूँ।
आदि खा लेना ही नहीं माना, पूरी खा लेना मान्य हो गया। तो बचपन में तो ऐसी बात हो सकती है, पर एक समझदार व्यक्ति होने के बाद कि आकांक्षा कम हो, वस्तु की चाह कम हो। आज के जमाने में वस्तु का जमाना हो गया, ये चाह को कम करना बड़ा कठिन काम है। इधर देखो तो प्लास्टिक की इतनी बढ़िया बढ़िया आकर्षक चीज़ें आती है कि मन ललचा जाता है। इधर कपड़े की भी ऐसी बढ़िया चीज़ें, और भी रासायनिक इतनी बढ़िया चीज़ें, इतने धागे बढ़िया बढ़िया दिखने में आकर्षक, तो कपड़ों के प्रति विराग होता है और भोजन के प्रति विराग हो सकता है। तो आजकल तो ये व्यंजनों का सुमार नहीं है, इतनी चीज़ें हो गई। पुराने लोग भोजन करते थे तो उनकी टेबल पर, भोजन की टेबल पर अगर कोई रखे तो दाल रोटी एक दो साग, राजस्थान में हो तो बड़ी पापड़ का साग, केरिया सांगरी का साग आदि आदि, और अपने अपने प्रांत में जो भी हो, ये पांच सात चीज़ें रायता बना लिया, बस इतने पांच चार चीज़ों में समाप्त है। और आज तो किसी बड़े आदमी की भोजन की टेबल देखो तो गिनने में कठिनाई होती है कि कितना खाते हैं, कितनी चीज़ें हो गई। इस स्थिति में आकांक्षा न बढ़े बड़ी कठिनाई की बात है। और नई नई चीज़ें हम तो कभी कभी हमारे मुनि जी गोची लाते हैं, देखते हैं तो मुझे पूछना पड़ता है इसका नाम क्या, ये चीज़ क्या है, क्या है, कब से बनी। कुछ चीज़ें तो यहीं आकर देखी मैंने, आई तो बाहर से होगी या कहाँ से, पर अलग अलग प्रकार की है, नाम भी नहीं जानते, आकार थोड़ा देख लिया अब जानते हैं क्या क्या डाला जाता है। एक पूड़ी नुमा, क्या कटोरी नुमा कोई चीज़ बनती है, और उसमें इतनी विरोधी चीज़ें हैं कि दही भी है और भुजिया भी है। अब दही भुजिया दोनों विरोधी भोजन है, पर वह नए नए व्यंजन आज का हो गया कि कौन जितना नया व्यंजन बनाता है और कौन ज़्यादा खाना चाहता है। तो ऐसे वस्तु प्रधान युग में जो संतोष करना बहुत कठिन बात है, पर सुख सैया सुख की नींद वह ले सकता है जो संतोष करना जानता है। पदार्थ के प्रति संतोष की भावना है, वह सुख की नींद ले सकता है। तो हम यदि धर्म को समझने का प्रयत्न करें तो धर्म को हर जगह देखने का प्रयत्न करें। धार्मिक आदमी यह देखे कि मुझे नींद अच्छी आ रही है या नहीं आ रही, नहीं आ रही है तो शायद कोई धर्म की आराधना में कमी है। मुझे ये जो है वह अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं लग रहा है तो मुझे कोई न कोई कमी है। अगर हम हर जगह धर्म की दृष्टि से भी पदार्थों की मीमांसा करना शुरू करें तो शायद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि मैं सुख की नींद ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। मैं मानता हूँ एक प्रश्न का उत्तर पाने का प्रयत्न करें तो शायद धर्म का मर्म भी आपके हाथ में आ जाएगा। ओम आरहम। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन, कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना गुरुवर।
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे।